और गाइस क्या हाल है गाइस, शाओमी फ्लैगशिप स्मार्टफोन की रेंज में बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकली काम कर रहा है और आई बिलीव कि ऑडियंस भी यही डिमांड करती है, क्योंकि यार अगर फ़ोन में आप टॉप एंड फीचर्स भी दे दोगे और उसकी प्राइसिंग बहुत हाई रखोगे तो वो भी शायद काम नहीं करेगा आपकी कंपनी के लिए। तो गाइस इसी सोच के साथ शाओमी ने लॉन्च कर दिया अपना नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन जो कि है रेडमी के 20 प्रो। और गाइस बहुत ही कमाल का फ़ोन है, बहुत ही हाई एंड फीचर्स के साथ आता है ये, और मुझे लगता है गाइस जिस हिसाब से इसके स्पेसिफिकेशन है उस हिसाब से इसकी प्राइसिंग बिल्कुल सही है गाइस। 28,000 आई थिंक इट इज़ वेरी गुड। गाइस कुछ लोग कह रहे हैं कि एक Redmi K20 Pro ओवर प्राइस है, लेकिन मैं बोलता हूँ गाइस बिल्कुल भी ओवर प्राइस नहीं, बिल्कुल फेयर प्राइसिंग है इसकी, और ये चीज़ मैं आपको अच्छे से समझा भी दूंगा बाद में। पहले इसकी स्पेसिफिकेशंस पे आ जाते हैं गाइस। गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इसके प्रोसेसर की। तो गाइस इसमें प्रोसेसर जो यूज़ हुआ है वो है 7 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बेस्ड, जिसका नाम है स्नैपड्रैगन 855। बिल्कुल नया प्रोसेसर है गाइस अभी ये स्नैपड्रैगन की तरफ से, और यही प्रोसेसर यूज़ हो रखा है गाइस सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड में भी। मैंने उस पर भी वीडियो बनाई थी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो वीडियो अगर चाहो तो देख लेना। गाइस स्नैपड्रैगन 855 दुनिया का सबसे पावरफुल प्रोसेसर में से एक है गाइस, क्योंकि ये 7 नैनोमीटर पे बेस्ड है। तो गाइस 7 नैनोमीटर बहुत ही कम साइज होता है, और इतनी बात ध्यान रख रहे हैं गाइस जितना छोटा साइज का प्रोसेसर होगा उतना ज़्यादा पावरफुल होगा। गाइस इस रेंज में दो प्रोसेसर और आते हैं, एक है किरिन का 980 जो कि 7 नैनोमीटर पे बेस्ड है, और दूसरा है गाइस एक्जिनॉस का 9820। ये 8 नैनोमीटर साइज का है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी बहुत, ये तीन बहुत ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर है गाइस। गाइस इन तीनों प्रोसेसर में से बात करें तो मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल स्नैपड्रैगन का 855 लगता है, क्योंकि इसकी क्लॉक स्पीड बाकी दोनों से काफ़ी अच्छी है, और दूसरी बात है गाइस इसका सीपीयू क्लस्टर 134 ये भी काफ़ी यूनिक है और इन दोनों से अलग है। गाइस इसमें क्या है, जो प्राइम कोर है, जो सिंगल कोर है प्राइम कोर इनका गाइस, वो क्लॉक्ड है 2.84 GHz क्रायो 485 पे गाइस। 2.84 GHz बहुत ज़्यादा होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है ये। और बाकी के जो गाइस तीन कोर्स हैं, मतलब जो ट्राई कोर है वो क्लॉक्ड है गाइस 2.42 GHz पे क्रायो 485 ही, और गाइस जो एक लास्ट में जो क्वाड कोर आता है जो कि बाकी के चार कोर्स हैं वो क्लॉक्ड है गाइस 1.8 GHz पे, ये भी क्रायो 485 पे ही क्लॉक्ड है। तो गाइस स्नैपड्रैगन 855 के आपके फ़ोन में होते हुए आपको परफॉर्मेंस की चिंता करने की 1% भी ज़रूरत नहीं गाइस, चाहे आप सारे ऐप्स एक बार में चला लो 855 सब संभाल लेगा। गाइस अब बात करते हैं हम इसके कैमरे की। गाइस इसमें जो कैमरा है वो स्क्रीन पे नहीं है, वो एक्चुअली एक पॉपअप सेल्फी कैमरा है गाइस, और ऐसे बाहर आता ही है, और उसके बाद में गाइस इसमें लाइट भी जलती है, काफ़ी मज़ेदार लगता है ये देखने में, और जैसे होता नहीं छोटे बच्चों के फ़ोन में लाइट जलती है जिसमें एक दबाव तो। गाइस जोक्स अपार्ट, जो 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है गाइस वहाँ पर आपको अपर्चर मिलता है f2.2 का, और माइक्रोन साइज़ यहाँ पे गाइस 0.8 है। और गाइस इस कैमरे को 300,000 बार टेस्ट किया है खुद Redmi ने, 300,000 बार ऊपर नीचे होता है, 300,000 बार तक ये सही चला था। पर फिर भी गाइस जो मूवेबल पार्ट्स होते हैं, मैकेनिकल मूवेबल पार्ट्स होते हैं गाइस, उसमें फिर भी थोड़ा बहुत पॉसिबिलिटीज़ रहती है कोई ना कोई प्रॉब्लम आने की। रियर कैमरा की बात करें तो गाइस यहाँ पर आपको एक ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है, जहाँ पर गाइस एक कैमरा है 48 मेगापिक्सल का, दूसरा है गाइस यहाँ पे 13 मेगापिक्सल का, तीसरा यहाँ पे गाइस 8 मेगापिक्सल। गाइस 48 मेगापिक्सल वाले कैमरे की बात करें तो गाइस यहाँ पर आपको एक सोनी का सेंसर मिल जाता है, जो कि है गाइस सोनी का IMX586 जो कि हाफ इंच सेंसर के साथ यहाँ पे आता है। गाइस ऊपर से गाइस इसका जो पिक्सल साइज़ है वो है 1.6 माइक्रोन्स का, अपर्चर आपको 1.75 का मिल जाएगा यहाँ पे। और मजे की बात है गाइस इसमें 4-in-1 पिक्सल बिनिंग भी यहाँ पर यूज़ करी है, जो कि MI A1 और A2 में थी। दूसरा कैमरा यहाँ पर है 30 मेगापिक्सल का गाइस, उसका पिक्सल साइज़ 1.12 माइक्रोन्स है, और अपर्चर यहाँ पर 2.4 का है गाइस। ये एक वाइड एंगल लेंस है जो कि आपको वाइड एंगल फोटो खींचने में मदद करेगा गाइस। भाई जो तीसरा यहाँ पर सेंसर है 8 मेगापिक्सल वाला, वो एक टेलीफोटो लेंस है जो कि आता है गाइस 2x ऑप्टिकल जूम के साथ, और माइक्रोन साइज यहाँ पर वही है 1.12 का, और यहाँ पर गाइस जो अपर्चर है वो 2.4 का है। बाकी कैमरा फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आप 960fps पे स्लो मोशन वीडियोज़ रिकॉर्ड कर सकते हो, और गाइस यहाँ पे 10x डिजिटल जूम भी आता है। गाइस अब बात करते हैं गाइस इसके हम डिस्प्ले की। गाइस जो डिस्प्ले यहाँ पर है वो पूरा बेजललेस डिस्प्ले, यहाँ पर नॉच नहीं है, सबसे अच्छी बात नॉच अच्छी भी नहीं लगती कुछ खास मुझे, मैं तो इतना बड़ा फ़ैन हूँ नहीं नॉच का। और गाइस इसमें पॉपअप सेल्फी कैमरा है इसलिए नॉच की ज़रूरत भी नहीं पड़ी है। तो गाइस यहाँ पे आता है एक 6.4 इंचेस का फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले, जिसे यहाँ पर Redmi ने नाम दिया है होराइजन AMOLED डिस्प्ले। 403 PPI की यहाँ पे गाइस पिक्सल डेंसिटी, और मज़े की बात तो ये है कि इसमें गोरिल्ला ग्लास 5 भी यूज़ हो चुका है स्क्रीन में, और गाइस जो बैक पैनल है इसका ग्लास बैक पैनल है वहाँ पर भी गोरिल्ला ग्लास 5 है। तो गाइस अगर स्क्रीन मुँह के बल गिरती है या फिर पीछे बैक के बल गिरता है तो गाइस मतलब यहाँ पे फ़ोन में कुछ हार्म होने नहीं वाला है गोरिल्ला ग्लास 5 की वजह से। गाइस वेरिएंट्स की बात करें तो इसमें दो वेरिएंट्स आते हैं गाइस, एक 6GB RAM 128GB स्टोरेज वाला, और दूसरा 8GB RAM 256GB स्टोरेज वाला। जो 6GB वाला वर्जन है गाइस वो आता है आपको यहाँ पे 28,000 का मिल जाएगा,
और जो गाइस दूसरा यहाँ पे 8GB वाला वर्जन वो आपको 31,000 का मिल जाएगा। गाइस अब बात करते हैं इसकी ओवर प्राइसिंग को लेकर। गाइस पता नहीं क्या कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है कि ये ओवर प्राइस्ड है, K20 Pro ओवर प्राइस्ड है, ऐसा नहीं है गाइस। मुझे 1% भी ये फ़ोन ओवर प्राइस नहीं लगता है गाइस। इसकी जो स्पेसिफिकेशंस है उस हिसाब से जो इसकी प्राइसिंग रखी है शाओमी ने वो बिल्कुल सही रखी है। प्राइस कंपेयर करने के लिए सबसे बेस्ट फ़ोन यहाँ पे पोको F1 ही होगा जो कि MI का ही है और ये K20 Pro भी MI का ही है। तो सबसे पहले मैं बता दूं गाइस, जो पोको F1 जब लॉन्च हुआ था तो उसका जो 6GB रैम और 64GB वाला वेरियंट, इसमें 128GB वाला नहीं था गाइस, मतलब था पर वो उसकी प्राइस 24,000 थी। तो गाइस जो ये 6GB और 64GB वाला वेरियंट है इसकी प्राइस थी 21,000 और यहाँ पर है जो हमारा K20 Pro उसकी 6GB और 128GB। तो गाइस 21,000 वाले को तो हटाइए, तो यहाँ पे 24,000 वाले से हम कंपेयर करेंगे, ठीक है गाइस। तो 24,000 में यहाँ पे पोको F1 ने ज़्यादा 6GB रैम 128GB और यहाँ पे गाइस 28,000 में यहाँ पर K20 Pro ने दिया है हमें 6GB रैम 128GB। तो गाइस 4,000 रुपये बढ़ा के हमें K20 Pro ने क्या एक्स्ट्रा फीचर्स दिए वो मैं आपको बताता हूँ गाइस। तो दूसरी बात यहाँ पे गाइस प्रोसेसर की बात है गाइस, जो पोको F1 में प्रोसेसर यूज़ हुआ था वो था स्नैपड्रैगन का 845 जो उस टाइम पे काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर था। उस टाइम 855 नहीं आया था, 855 गाइस अब आया है जिसे कि कहते हैं कि 48% मतलब करीब करीब 50% ज़्यादा पावरफुल है स्नैपड्रैगन 845 से। और 845 गाइस 7 नैनोमीटर का नहीं है, वो 10 नैनोमीटर का प्रोसेसर था और ये हमारा 7 नैनोमीटर का है। और प्रोसेसर में यहाँ पे बहुत बड़ा अंतर है गाइस, 845 से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर है 855 यहाँ पे स्नैपड्रैगन का। तो यार प्रोसेसर आप अपग्रेड करेंगे इतना तो थोड़ी बहुत प्राइसिंग तो यहाँ पे ज़रूर बढ़ेगी। तीसरी चीज़ यहाँ पर है गाइस पॉपअप सेल्फी कैमरा। तो इस टेक्नोलॉजी में काफ़ी पैसा लगा होगा मतलब डेवलप करने में, उसे इंजीनियर करने में, तो यहाँ पर भी प्राइस थोड़ा बढ़ना ज़रूरी है। अगर गाइस आप बाकी फ़ोन उठा के देख लो जिसमें पॉपअप सेल्फी कैमरा है तो उनकी प्राइसिंग देख के आप हैरान हो जाओगे, सबके सब 30,000 से ऊपर के हैं, 40,000 से ऊपर के हैं। मैं बता देता हूँ गाइस, सबसे पहले तो आप देख लो OnePlus 7 Pro 50,000 रुपये का फ़ोन है, उसमें है ये पॉपअप सेल्फी कैमरा। OnePlus 7 Pro हो गया गाइस, ओप्पो फाइंड एक्स हो गया, वीवो नेक्स हो गया, ओप्पो रेनो हो गया, उसके बाद में गाइस सैमसंग गैलेक्सी A80 हो गया और भी कई फ़ोन है गाइस। इन सब में गाइस मी मिक्स 3 है, इसमें गाइस जो पॉपअप सेल्फी कैमरा है ये फ़ोन बहुत महंगे हैं सारे के सारे। और इसमें गाइस जो पॉपअप सेल्फी कैमरा वाली टेक्नोलॉजी जो थोड़ा कम प्राइस के फ़ोन है जैसे रियलमी X हो गया और एक आधा फ़ोन कोई और है, तो गाइस उसमें जो प्रोसेसर है उन्होंने मिड रेंज वाला दिया है, तो मिड रेंज वाले प्रोसेसर और यहाँ पर देख लो टॉप एंड प्रोसेसर आपको मिल रहा है। तो मुझे कुछ पैसे नहीं खिलाए यार यहाँ पे, मेरा नया चैनल मुझे कोई पैसे नहीं खिलाए, मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे तारीफ करके, मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको। तो बिल्कुल भी ओवर प्राइसिंग नहीं है यहाँ पे, पर हम कंपेयर कर रहे थे गाइस पोको F1 से, तो उसमें तो पॉपअप सेल्फी कैमरा भी नहीं है, तो उससे अगर अपग्रेड करेंगे ना तो ये पॉपअप सेल्फी कैमरा हमें मिला है तो इसके 4,000 रुपये एक्स्ट्रा तो बनते हैं। इसके बाद अब चौथी चीज़ हो गई गाइस इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, ये भी पोको F1 में नहीं था। पांचवी और लास्ट चीज़ है गाइस जिसमें यहाँ पे ट्रिपल कैमरा सेटअप मिला है, पोको F1 में सिर्फ 2 कैमरे थे। गाइस अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट की तरफ। तो मुझे क्या लगता है ना गाइस, ये K20 Pro एक बहुत ही गजब का, बहुत ही कमाल का फ़ोन है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फ़ोन है गाइस। आप इसके हर सेक्शन में आप जाओ आपको हर चीज़ आपको टॉप नॉच और सबसे अच्छी मिलेगी गाइस। एक चीज़ कभी मुझे इसमें लगी गाइस, जो मैंने बाकी रिव्यू वगैरह देखे इस फ़ोन के, वीडियोस देखी हैं, तो मुझे गाइस इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर थोड़ा स्लो लगा बाकी के हिसाब से। और यहाँ पे जो फेस अनलॉक है वो भी थोड़ा स्लो है, ऐसे नहीं कि बहुत स्लो, कुछ 0.2 सेकंड्स का ही फ़र्क है, पर फिर भी वो थोड़ा सा स्लो लगता है। बिल्कुल अगर गाइस आपका 30,000 के अंडर का बजट है तो आप 6GB वाला वेरियंट इसका ज़रूर प्रेफर कर सकते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी गेमर या मल्टीटास्किंग वगैरह करते हैं। और YouTube चैनल अगर आप अपना फ़ोन से ही चलाते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि 8GB वाला अगर आप ले पाएँ तो आप ले लें, नहीं तो 6GB वाला भी काफ़ी है। तो आज यही सब था बस Redmi K20 Pro के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब के लिए गुड बाय।